You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel। हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। COVID-19 महामारी के बीच में एग्जाम की तैयारी करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं वो और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती हैं। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स CU-SET 2021 के इंतज़ार में रहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है CU-SET 2021 के रिगार्डिंग, लेकिन इस महामारी के बीच अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर आई है जामिया मिलिया इस्लामिया। आपको ये बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र विश्वविद्यालय है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, जो भी टॉप 10 रैंकिंग आती है उस रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक नोटिस, एक अधिसूचना जारी की है 2021-22 सत्र यानी एकेडमिक सेशन में एडमिशन के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज। यूनिवर्सिटी ने नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें अगले एकेडमिक सत्र में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ने अपना इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी इस खबर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी भी CU-SET में शामिल नहीं होगी 2021-22 में। तो एक और यूनिवर्सिटी जिसने अपना इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है। क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का शेड्यूल, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कब तक एग्जामिनेशन होंगे, कब तक रिजल्ट्स की घोषणा होगी, ये पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूं। तो आगे आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। URL है www.jmi.ac.in। जब ब्राउजर पर आप URL टाइप करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा जिसमें कई लिंक्स दी हुई हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, तरह तरह की जानकारी दी गई है, लेकिन आपको एडमिशन संबंधी जानकारी इस टैब से मिलेगी जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो फर्दर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी। जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जामिया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। URL है jmi.coe.in। इसी वेबसाइट पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया प्रॉस्पेक्टस 2021-22। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। एडमिशन शेड्यूल जो टेंटेटिव है, बार बार देखें यहाँ लिखा हुआ है टेंटेटिव, ये फाइनल नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस आप वेबसाइट पर जैसा कि देख सकते हैं 17 मई से अवेलेबल हो चुका है, 17 मई 2021। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 17 मई से 30 जून तक अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट पर। इस पर इस दौरान आप वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स और एडिटिंग, अगर आपको किसी तरह का चेंजेस करना है तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स 15 जुलाई 2021 के बाद इशू की जाएंगे एडमिट कार्ड्स। कमेंसमेंट ऑफ इंट्रांस टेस्ट 26 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, इसके बाद टेस्ट होंगे, हालांकि टेस्ट के डेट्स अभी नहीं दिए हुए हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको रिजल्ट 30 सितंबर 2021 तक सबमिट करना होगा, तभी आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप एंटिटी सब्जेक्ट टू चेंज अंडर प्रीवेलिंग पेंडेमिक सिचुएशन, यानी जो COVID-19 की सिचुएशन के हिसाब से ये डेट्स चेंज हो सकते हैं। अगर हालात बेहतर होंगे तो एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फर्दर आप प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस है 2021-22 का, ये डॉक्यूमेंट है 110 पेज का। इसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप आराम से डाउनलोड कर सारी बातों को, सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं BTech हो या दूसरे कोर्सेज हों, सबकी जानकारी दी हुई है। तो इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसे आप क्लिक कर सारी बातों को आराम से पढ़ सकते हैं। तो शेड्यूल को देखने के बाद आपके मन में थोड़ी सी आशा जगी होगी, थोड़ा सा आप मुस्कुराए होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग जो जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी। वहीं पे वो लोग जो CU-SET में भी शामिल होना चाह रहे हैं, उनमें भी ये आशा जागी होगी कि जल्द ही CU-SET 2021 के फॉर्म्स आ जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक COVID-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो शेड्यूल जामिया मिलिया इस्लामिया ने दिया है एग्जामिनेशन का,
वो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते, हो सकता है कि कोविड के मामले अचानक से बहुत कम हो जाए, लेकिन आने वाले 2 महीने में कहना मुश्किल है कि जुलाई तक इस लायक हालात हो जाएंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इंट्रांस ले सकती है एडमिशन के लिए। फिलहाल कुछ भी कयास लग रहा जल्दबाजी होगी, आप इंतज़ार कीजिए, आगे कोई भी अपडेट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स अ लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।